नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार जैन वाकपीठ किताबशाला के सौजन्य से दिल्ली से। पिछले दिनों बहुत चर्चा चली और लगभग पिछले 6 महीने से ये चर्चा चल रही है, जिसको पहले बहुत एक शांत हम लोग वातावरण में देखते रहे, सोचते रहे क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन धीरे धीरे वो चर्चा मुखर होती गई जैसे जैसे हमारी ऑनलाइन क्लासेस चली। बहुत कुछ परिवर्तन शिक्षा के क्षेत्र में पिछले दिनों देखने में आया, कुछ नई नई चीज़ें हमारे सामने आईं, जिसके अंदर हम लोग लर्निंग आउटकम की बात भी कर सकते हैं, उस पर भी हमने चर्चा की, हमने काम किया, अपनी पाठ्य योजनाएं उस आधार पर बनाई। उसी से मिलती जुलती एक चीज़ हमारे सामने आई, AIL यानी आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग, यानी कि कला समेकित अधिगम, कला समेकित अधिगम। इससे पहले कि मैं इस पर बोलना शुरू करूं, मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने पेन को या पेंसिल को और कॉपी को तैयार रखें। मैं आपको कोई स्लाइड नहीं दिखाऊंगा, दिखाना चाहता भी नहीं। मैं चाहता हूं आप मेरे साथ इस कक्षा के अंदर जो मैं बोलूं उसके मुख्य बिंदुओं को लिखें और समझें। स्लाइड में तो अक्सर ऐसा होता है, स्लाइड हमारे सामने आ जाती है, हम बच्चों को दिखाने के लिए तो ठीक रहता है, हम खुद उसको कितना बाद में देखते हैं, लेकिन लिखे हुए पे क्योंकि मेहनत होती है इसलिए हम उसको देखते हैं। मेरा निवेदन है कि जो मैं बोल रहा हूं उसको मैं बीच बीच में आपसे कहता चलूंगा और मुख्य बिंदुओं को आप अपने पास लिखते चलें। आज का हमारा विषय है कला समेकित अधिगम, यानी जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहेंगे आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग। यानी ये आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग क्या है, पिछले दिनों आपने कई बार मेरे से पूछा, मैंने इंडिविजुअली बताने की कोशिश भी की आप लोगों को, लेकिन मुझे लगा कि मुझे इस वेबिनार के माध्यम से आपके बीच में आके इस बिंदु को स्पष्ट करना चाहिए कि ये आर्ट है क्या। आप में से कुछ संस्कृत के विद्यार्थी भी रहे हैं, हिंदी वालों ने भी काव्य शास्त्र पढ़ा है, और जब भी हम लोग कभी काव्य पढ़ते थे तो उसके अंदर एक चीज हमारे सामने आती थी जिसको हम लोग कला के नाम से जानते हैं, कला शब्द से हम लोग परिचित हैं। और हम ये भी जानते हैं कि जो कलाएं हैं वो दो प्रकार की हम लोगों ने जानी हैं, एक तो ललित कला है जिसको हम लोग काव्य संगीत चित्र मूर्ति शिल्प कला भी कह सकते हैं, वास्तुकला भी कह, ये हमारी ललित कलाएं हैं, इसलिए ललित कला अकादमी हमारे दिल्ली के अंदर है, ललित कलाएं हैं। ललित शब्द का अर्थ भी परिचित, मैं उसके अंदर डिटेल में नहीं जा रहा हूं, आप इसकी व्याख्या को समझ लेंगे। दूसरी कलाओं में हमारे शास्त्रों में वर्णन है उपयोगी कलाओं का, कि कुछ ऐसी कलाएं हैं जिनका उपयोग बहुत ज्यादा होता है और उसमें भी सौंदर्य नजर आता है, और वो जैसे बढ़ई है, कोई सुनार है, कोई लुहार है, कोई गढ़ने वाला चीजें हैं, तो उसके अंदर भी उपयोगी कलाओं के अंदर भी हमको सौंदर्य नजर आता है, जिसको हम लोग ये मान के चलें कि इन दोनों के अंदर अगर एक मूल तत्व है तो वो है सौंदर्य तत्व। सौंदर्य तत्व इन दोनों में प्रधान है, जो सौंदर्य बुद्धि मन के माध्यम से जो सौंदर्य जो सुंदरता हमारे मन को छू जाए, दिल को प्रसन्न करे, ना केवल हमको बल्कि दूसरों को भी करे, साधारणीकरण शब्द आया है, दूसरों को भी करे, वो हम लोग उसको कला कहते हैं। कला के बहुत आगे चल करके अनेक प्रकार की कलाएं हमारे सामने आई हैं, जिसे हम लोग परफॉर्मिंग आर्ट भी कहते हैं, परफॉर्म कर रहे हैं आप किसी चीज को, अपने सामने परफॉर्म होता हुआ देख रहे हैं, उसको सहेजना बड़ा मुश्किल होता था, डांस हुआ, गाना हुआ, म्यूजिक हुआ, सब कुछ, लेकिन हम उसको रख नहीं सकते हैं हम अपने पास, लेकिन आजकल तो हम लोग ऑडियो वीडियो के माध्यम से उसको सहेज के रख सकते हैं, लेकिन शायद उस समय ये कल्पना की गई थी कि परफॉर्मिंग आर्ट्स जितनी भी होती हैं उसको सहेज के अपने पास रखना बहुत मुश्किल होता है। कुछ विजुअल आर्ट्स होती हैं जो देखी जाती हैं, जिनको हम लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं कईयों में, और इन दोनों के जो आधारभूत तत्व हैं वो दोनों अलग अलग हैं। अब जैसे चित्रकला के लिए मुझे कागज चाहिए, कूची चाहिए, रंग चाहिए, लेकिन अगर मैं साहित्य में काव्य कर रहा हूं तो मुझे शब्दों की आवश्यकता है, शब्दों के भीतर अर्थ की आवश्यकता है, मैं उनका इस तरह संयोजन करूं कि वो एक खूबसूरती पैदा करें। अलंकार आपको याद आ रहे होंगे कि जब हम अनुप्रास अलंकार की खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, या चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, या तणि तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय, अब इसके अंदर त त त का प्रयोग हमें बहुत खूबसूरत प्रतीत हो रहा है, और एक एक ध्वनि हमारे, तो एक संयोजन हम शब्दों का इस प्रकार करें कि आनंद की अनुभूति हो,
इसी प्रकार काव्य में होता है। हमें साकेत क्यों याद रह जाती है, हमें वीणा क्यों याद रह जाती है, हमें महादेवी वर्मा क्यों याद रह जाती हैं? उन्होंने शब्दों और अर्थों का संयोजन इस प्रकार किया हुआ होता है कि वो हमें आनंद की अनुभूति दे जाते हैं। तो ये हमारी दो प्रकार की कलाएं, जिनको हम लोग विजुअल परफॉर्मिंग कह सकते हैं, हिंदी के अंदर ललित कला भी कहते हैं, और हम लोग उपयोगी कला के अंदर भी हम इसको चर्चा करते हैं। थोड़ा सा मैंने बताया, इस बारे में मैं बहुत कुछ बोल सकता हूं, शास्त्रों में बहुत कुछ कहा गया है। मुझे एक पंक्ति याद आ रही है, आपको भी याद आ रही होगी, कोई नई चीज मैं आपको बताने नहीं जा रहा। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, पूंछ और सींगों से रहित होता है वो व्यक्ति, रहित होता है वो व्यक्ति, ये जिस जो साहित्य कला संगीत ये चीज जिसमें नहीं होती, वो एक पशु के समान है, बस उसके पूंछ और सींग ही नहीं है, इतना फर्क है। अब ये बात भर्तृहरि कह गए, नीति शतक में 12वां श्लोक उनका है, पढ़िएगा और आगे बहुत डिटेल। एक मुझे और चीज याद आती है, पंत जी की एक वाणी मुझे याद आती है, शब्द शिल्प से कला न साधो, शब्द शिल्प से कला यानी कला को मत साधो, मन के मूल्यों में मत बांधो, उन्मुक्त होने दो कला को, जो मन में आ रहा है उसे करने दो, जीवन श्रद्धा से आराधो, जीवन अपने जीवन के रस को उसमें निचोड़ दो, श्रद्धा को निचोड़ दो, जब जाके वो जो कलाकृति है, जिस कला को आपने अपनाया है, वो एक रूपता में प्राप्त हो जाती है। बहुत सारी चीजें दिमाग में उमड़ घुमड़ रही हैं, मुझे लगा कि जो कुछ पढ़ा अचानक याद आ रहा है वो आपके सामने मैं प्रस्तुत करूं किसी ना किसी रूप से। अब हम आते हैं इसके प्रायोगिक पक्ष पर। अब तक मैंने आपको सिद्धांतिक पक्ष बताया, उसमें बहुत सारी चीजें आप अपने आप जोड़िएगा, अपने आप समझ सकते हैं, मैं जानता हूं। CBSE ने 18 जनवरी को और उसके बाद 8 मार्च को 2020 में एक सर्कुलर निकाला था। सबसे पहला जो सर्कुलर हमारा जनवरी में 18 जनवरी के अंदर आया, वो लर्निंग आउटकम्स के बारे में था। NCERT में बहुत ज्यादा मेहनत इसकी इस पर हुई है, मैंने भी आपसे वर्कशॉप्स में कार्यशालाओं में इस पर चर्चा की है, लर्निंग आउटकम का मैं यहां पर चर्चा नहीं कर रहा हूं। लेकिन 8 मार्च को जो उन्होंने एक सर्कुलर निकाला AIL के नाम से, आप CBSE की वेबसाइट पे जाइएगा, नोट करिए, CBSE की वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो वहां पर प्रिंटेड मटेरियल में जाएंगे या राइट साइड में आपको वो जो रोज के उनके डेली के सर्कुलर्स होते हैं वहां पर आपको ये मिल जाएगा, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग। ये पूरा डॉक्यूमेंट यहां मेरे पास रखा हुआ है, ये डॉक्यूमेंट लगभग 19 पेजेस का है, 19 पेजों में ये आउटकम, ये लर्निंग आउटकम का पूरी डिटेल है इसके अंदर। कुछ पॉइंट्स इसके मैं आपको बताऊंगा और किस तरीके से ये इंप्लीमेंट करना है हमें अपने स्कूल में, और उसकी मैं आपको थोड़ी प्रायोगिक प्रैक्टिकल जानकारी देने की कोशिश करूंगा। इसमें तीन शब्द हैं, आर्ट इंटीग्रेशन इंटीग्रेटेड लर्निंग अधिगम। अधिगम हम जानते हैं, जब हम BEd वगैरह करते थे तो अधिगम की बहुत सारी हमने चीजों को पढ़ा था, बहुत सारे सिद्धांत पढ़े थे, इसको आर्ट के साथ कैसे जोड़ना है। सबसे पहले ये जो हमारा AIL है, ये कक्षा 1 से लेकर 12 तक वो कहते हैं CBSE के सर्कुलर के अंदर है, लेकिन बच्चों को 1 से 10 तक, खासतौर से 9वीं और 10वीं के अंदर बच्चों को विशेष प्रभाव से हमको ये करवाना है। नोट करिए, ये कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक है, विशेष रूप से 9वीं और 10वीं में है, और 1 और 8 के अंदर हमको ये करवाना है। एक बात क्लियर हो गई, यानी हर कक्षा में हमको ये करवाना है। ये है क्या और कैसे, इसकी चर्चा में और आगे, पहले मुख्य बिंदु मैं आपको स्पष्ट करूंगा। इसमें सबसे बड़ी जो चीज है वो ये कि साल में एक बार करवाना है, यानी पूरे साल में हम एक AIL, हम एक आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट या असेसमेंट या लर्निंग आउटकम जो भी कुछ है, वो हम लोगों को साल में एक बार करवाना है, जब मर्जी करवा लीजिए। थर्ड पॉइंट, इसका पूरा आपको एक डॉक्यूमेंटेशन करना है 9वीं 10वीं के अंदर, जो बच्चों के, जो हम एक चीज करवाते हैं, जो मैं कहने जा रहा हूं ध्यान से समझिएगा, SEA सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी, ये उसी का हिस्सा है। अगर हम सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी में कुछ और ना करवाकर अगर हम आर्ट इंटीग्रेशन का एक 5 या 10 नंबर की कोई चीज करवा सकते हैं तो हम वो ले सकते हैं। यानी SEA जो एक्टिविटी हम कराना है उसको मान लीजिए आपने काट दिया, मैं मान लो शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, उसकी जगह आप क्या लीजिए, आर्ट को ले लीजिए,
और ये इस डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा हुआ है, ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, ये सारी चीजें इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो लिखी हुई हैं मैं उनका जिक्र आप लोगों से कर रहा हूं ताकि आप लोग इस चीज को जान लें। दूसरी बात ये कि इसके अंदर हम जो चीजें जो पाठ हम लोग पढ़ा रहे हैं उस पाठ के अंदर जो हमारा कल्चर जो हमारा हेरिटेज जो हमारी लैंग्वेज जो हमारे रीति रिवाज जो ये सारी चीजें आई हैं उनसे हमें बच्चों को जोड़ना है। अब दो चीजें हमारे सामने आती हैं, या तो हम जो बच्चे की खूबी है जो बच्चे की आर्ट है जो उसकी कला है, जैसे एक बच्चा बोलने में बहुत अच्छा है, एक बच्चा ड्रामा बहुत अच्छा करता है, एक बच्चा आर्ट चित्रकला बहुत अच्छा करता है, एक बच्चा मूर्ति कला बहुत अच्छा बना रहा है, एक बच्चा थर्मोकोल को लेकर कोई चीजें बना देता है, एक बच्चा चूड़ियों को लेकर के कोई डिजाइन बना देता है, एक बच्चा प्रिंट बहुत अच्छा करता है, वो जैसे भिंडी को लेकर के कलर में डबो के वो नई नई चीजें क्रिएट करता है। हमको ये देखना है कि हमारी कक्षा के अंदर किस किस प्रकार की कलाओं के बच्चे निहित हैं, जिसमें ड्रामा भी है, याद रखिएगा, कविता भी है, कविता वाचन भी है, उसमें गायन भी है, उसमें नृत्य भी है, उसमें साक्षात्कार लेने की कला भी है, उसमें कठपुतली बनाने का भी है, उसके अंदर कैलीग्राफी भी है, सारी चीजें इसके अंदर, इसमें पूरी ढेर की ढेर उन्होंने, अगर मैं चीजें पढ़ता चला जाऊं, उसमें पेंसिल वाटर कलर क्रेयॉन कलर पोस्टर कलर ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई है। जिस जिस चीज की में बच्चा निपुण है या तो उसके आधार पर आप यानी आप टीचर्स लेसन को डिसाइड करें और उसको दे दें, मैं इस पे बाद में आऊंगा, या लेसन हमारे पास है उसके अंदर हम लोग कलाओं की खोज करें। दो चीजें मैंने आपसे कही, या तो हम इस विषय को करवा सकते हैं छात्र आधारित, यानी कि छात्र में क्या कला है क्या विशेषता उसकी है, मल्टीपल इंटेलिजेंस की जो बात थी मेरी कार्यशालाओं में आप आए हैं तो आप जानते हैं कि हम बच्चे को यह देखें या छूट दे दें कि तुम इस काम में निपुण हो तो तुम्हें यह काम करना है। हमने उसी की सौंदर्य अनुभूति को उसी की अनुभूति को हमने उसको दे दिया, जिसमें जॉयफुल लर्निंग की बात करते हैं, इसके अंदर जॉयफुल लर्निंग वो ये सबसे पहले वाला थर्ड पॉइंट जॉयफुल लर्निंग। जॉयफुल लर्निंग का जैसे बच्चे को आनंद आ रहा है करने में, हमको करना क्या है बच्चे की अनुभूति सौंदर्य कला को पाठ से जोड़ देना है, या तो हम ये करें। दूसरा तरीका, जो भी हम पाठ पढ़ा रहे हैं जो भी, चाहे वो कविता है गद्य है पद्य है नाटक है जो भी है, वो जो हम पढ़ा रहे हैं उस पाठ में संभावनाएं तलाशें और छात्रों को कार्य करने के लिए दे दें। मैं दो तीन एग्जांपल आपके सामने लेता हूं, नौवीं दसवीं वाले भी यहां पर बैठे हुए हैं, क्लास एक से आठ पढ़ाने वाले भी टीचर्स यहां पर हैं जो मेरे सामने बैठे हुए हैं। आप क्या करें, मान लीजिए हमने चैप्टर लिया तातारा वामीरो कथा बी कोर्स का है, या हमने लिया नेताजी का चश्मा, या हमने कन्यादान कविता ले ली, या हमने ले लिया बड़े भाई साहब, कोई भी हमने चैप्टर लिया, मैं बड़े भाई साहब को लेता हूं प्रेमचंद के, आप सब लोग अच्छी तरह परिचित हैं, उसके अंदर पतंग कनकौवे का वर्णन आया है, अगर आपने देखा हो कनकौवा, और बिल्कुल पहले वाले में जहां से बड़ा भाई साहब हमारा चैप्टर शुरू होता है कि भाई साहब बैठे रहते थे और ना जाने अपनी कलम से क्या क्या शब्द लिखते रहते थे, यानी कॉपी के पीछे वो ना जाने क्या कैलीग्राफी, अब समझ क्या क्या लिखते रहते थे, बच्चा क्लास के अंदर कॉपी के ऊपर नीचे बैठ के पत्नी क्या क्या लिखता रहता है, डेस्क पे पत्नी क्या क्या लिखता रहता है, आपको ऐसे बच्चों की भी तलाश करनी पड़ेगी। यानी ये अवसर है, अगर बच्चा ऐसा कर रहा है तो उसको अवसर के रूप में तलाश के हम कुछ लिखने का काम, जिसके ऊपर मैं बाद में आऊंगा, वो हम लोग दे सकते हैं। तातारा वामीरो कथा, उसमें एक जगह वर्णन आया पशु पर्व का, जब चैप्टर स्टार्ट होता है, एक प्रेम कथा है जहां से शुरुआत इसकी होती है कि समुद्र के किनारे बैठे सौंदर्य को निहार रहा था, एक टक ताके जा रहा था, और बहुत सुंदर वहां पर एक वर्णन, एक संध्याकालीन वर्णन, समुद्र की लहरें आ रही हैं, उसकी आवाजें उसको, और एक गाने की आवाज कहीं से आ रही है। अब आप सुनिए कि जब हम लोग ये पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं तो हमारे जहन में क्या चीज उत्पन्न हो रही है, हमारे मन में एक चित्र सा एक अनुभव हो रहा है, एक चित्रकला का अवसर यहां पर बन जाता है। जैसे हमारे मन में एक मानस चित्र आ रहा है वहां पर एकदम वो दृश्य बन जाता है। नेताजी का चश्मा, इसमें तो खुले हाम अब हमारी शिल्पकला मूर्तिकला है, इस पूरे पाठ के अंदर देखिए क्या है, वो क्या चाहता है, क्या उसके अंदर हो रहा है। दो बैलों की कथा, ग्रामीण परिवेश है, दो बैल दो पशु आपस के अंदर बातें करते हैं, कितनी संभावनाएं इसके अंदर हमारे सामने आ जाती हैं। क्ले मॉडलिंग की हमारे सामने संभावना आती है, चित्रकला की हमारे सामने संभावना आती है, ग्रामीण गीतों की हमारे सामने संभावना आती है, कितनी संभावनाएं इसके अंदर बन रही है।
वो संभावनाएं वो हम लोगों को इन छुट्टियों में, यदि जहां पर छुट्टियां हैं, हमें तलाशनी है कि हम कौन कौन से एरिया उसके अंदर ले सकते हैं। कुछ मैं आपको इस डॉक्यूमेंट से पढ़ करके समझाने की कोशिश करता हूं कि क्या क्या हमारे वो एरिया हो सकते हैं। एक हमारा है रोल प्ले, आर्ट एग्जीबिशन, नोट करिए रोल प्ले। क्या हम दो बैल, उसमें दो बैल हैं, हम दो मनुष्य बना दें और कक्षा के अंदर हम उसमें रोल प्ले कराएं, कक्षा के अंदर चार पांच ग्रुप्स में। एक बात याद रखिए, ये आर्ट इंटीग्रेशन का काम आपको ग्रुप्स में करवाना है, ग्रुप में, एकल मत छोड़िए। अगर कोई बच्चा एकल करना चाहता है करें, लेकिन ये ग्रुप में ज्यादा हम लोगों को कराना है ताकि वो अपनी अपनी कलाओं का योगदान एक कोलाज के रूप में उसके अंदर दे सके। सबसे बढ़िया चीज होगी जो इसके अंदर इन्होंने वर्णन इस डॉक्यूमेंट के अंदर किया है, अगर आप पढ़ें, फोटोग्राफी, स्लाइड शो, पीपीटीज, स्कल्पचर, क्ले मॉडलिंग, डांस परफॉर्मेंस, ज्वेलरी मेकिंग, कोरियोग्राफी, म्यूजिकल परफॉर्मेंस, थिएटर डांस परफॉर्मेंस, ब्लॉक प्रिंटिंग, प्रिंटिंग, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्ट इवेंट्स एंड वुड कार्विंग, बहुत सारी चीजें इसके अंदर पूरा इन्होंने ये परफॉर्मर दिया हुआ है। मैं चाहता हूं आप खुद निकालें और पढ़ें, खुद सीबीएसई की वेबसाइट पर बैठें, जाएं, देखें कि हम बच्चे को आर्ट इंटीग्रेशन में क्या क्या हम लोग करवा सकते हैं। ये काम ग्रुप में होना चाहिए, इस बात को आप याद रखिएगा कि इसके अंदर हम लोगों को आर्ट एज ए टूल इस्तेमाल करनी है, कि जो कला है वो साधन बने, माध्यम बने हमारे शिक्षण का। देखिए सीधी सी बात है, सीबीएसई ये चाहता है, शिक्षा विभाग हमारा ये चाहता है कि जो हमारा हेरिटेज है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा रीति रिवाज है, जो हमारी भाषाएं हैं, जो हमारा पहनावा है, उसको हम लोग पाठ के माध्यम से एनरिच कर सकें, उसको बढ़ा सकें। ये कुल मिलाकर के एक पूरी योजना सरकार की है। ये न केवल हिंदी में, याद रखिएगा, ये साइंस में भी है, मैथमेटिक्स में भी है, वो इंटीग्रेटेड शब्द है कि सब विषयों को हम लोग किस प्रकार जोड़ दें, वो मैं बाद में आऊंगा, पहले मैं आपको ये सारी चीजें स्पष्ट कर दूं। हमने कोई सा भी पाठ उठाया, उस पाठ में क्या चित्रकला की कोई संभावना बनती है, नोट करिए, एक पाठ लिया, पाठ में हमने 8 या 10 संभावनाओं को तलाशा कि क्या इस पाठ में कुछ ऐसी संभावनाएं हैं जहां पर बच्चा थिएटर के लिए कुछ कर सकता है। संभावना आपने लिखी, हाँ ये विषय थिएटर के लिए हो सकते हैं। क्या इसमें चित्रकला का समावेश किया जा सकता है, हाँ ये स्थान है, अंडरलाइन करिए उस चैप्टर को, हाँ ये जगह है जहां पर बच्चा चित्रकला, जो बच्चा चित्र में, आपने देखा होगा कॉपियों के अंदर बच्चे अक्सर बहुत डिजाइन बना करके अपना होमवर्क हमको देते हैं, हमने उनसे कहा नहीं होता लेकिन वो बनाते हैं, तुरंत आप उस बच्चे को पकड़िए, ऐसे बच्चे को चित्रकला का हमको काम देना है कि वो उससे एसोसिएट करे, वो कलर्स के अंदर देखे, उसके केमिकल को देखे, उसके अंदर मैथमेटिकल फिगर्स को देखे, दुनिया भर की चीजें वो उसके अंदर देख सकता है। हम इंटीग्रेटेड कर रहे हैं, हम लोग भाषा से मैथमेटिक्स को भी जोड़ रहे हैं, केमिस्ट्री को भी जोड़ रहे हैं, परिवेश को जोड़ रहे हैं। बड़े भाई साहब, नेताजी का चश्मा, जो चैप्टर मुझे ताताराम अमीरो कथा, डायरी का एक पन्ना, बहुत सारे ऐसे चैप्टर आपके दिमाग में भी आ रहे होंगे जो हमारे इतिहास से जुड़ते हैं, जो ज्योग्राफी से जुड़ते हैं, जो नागरिक शास्त्र से, प्रेमचंद का तो जो भी आप कहानी उठा लीजिए कहीं ना कहीं उसमें आपको नागरिक शास्त्र नजर आ जाता है, हमें सिविक्स नजर उसके अंदर आ जाती है। कोई सा भी हम समाज में, अगर हम लोग कफन चैप्टर उठा लेते हैं तो कफन के अंदर एक गरीबी छलक जाती है, गरीब, तो उस गरीबी के कर्व को हम लोग अच्छी तरीके से बना करके देख सकते हैं। तो वहां पर हम लोग स्टैट्स को भी, स्टैटिस्टिकल को भी हम लोग शामिल कर सकते हैं, मैथमेटिक्स की अलग अलग चीजों को भी हम लोग शामिल कर सकते हैं। तो ये हमारा एक इंटीग्रेशन थ्रू लैंग्वेज, ये हम लोगों को इसके में देखना होगा। अब इसके अंदर, आर्ट के अंदर, आर्ट की अलग अलग फॉर्म्स हैं, ये हमने अभी वर्णन किया, हमने जाना, जो वो बच्चा तैयार कर रहा है पूरे साल में एक बार, आपने उसको महीने भर का टाइम दिया, 8-10 दिन का टाइम अगर आप चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं, छुट्टियों का ये आदर्श टाइम है। ये लॉकडाउन हमारा जो पीरियड चल रहा है और धीरे धीरे खुल रहा है, लेकिन स्कूल अभी खुले नहीं है, उसके अंदर बच्चों को आप ये काम करने के लिए दे सकते हैं कि कोई भी एक बच्चे को उस आर्ट से रिलेटेड जो भी आप चैप्टर पढ़ा रहे हैं वो आप को रिलेट उसको कर दीजिए और बच्चे को 1 महीने 15 दिन 20 दिन उस पर काम को करने दीजिए। और जब भी स्कूल खुले, और स्कूल अगर और लेट खुलता है तो आप उसको अपने पास किसी न किसी फॉर्मेट में क्लिक कर करके मंगवाइए और उसका आकलन करें, ना केवल आकलन करें, यहाँ पर उसका एक उससे बातचीत करें। मैंने एक वीडियो कल डाला है मेरे YouTube चैनल पर, वो 6 मिनट का वीडियो है, 6 मिनट 13 सेकंड का, उस वीडियो को जरूर देखिएगा
और जो मैं कह रहा हूं उससे कोरिलेट कीजिएगा, वो मैं आपको भेज भी दूंगा इसके साथ, अपने इस वक्तव्य के साथ, उस वीडियो को आप देखें। सब बच्चों को जब स्कूल खुले, अब तो खैर हम लोग सब बच्चों को इकट्ठा नहीं कर सकते, ये हमारे सामने मजबूरी है, लेकिन वो वीडियो जब का बना हुआ है, जब हमने सभी बच्चों को एक साथ इकट्ठा किया, बच्चों ने अपने अपने काम का वहां पर प्रदर्शन किया, एक विषय हमने उनको निर्धारित किया कि भाई आप टाई एंड डाई का करेंगे, आप म्यूजिक का, आप क्लासिकल म्यूजिक, आप वेस्टर्न म्यूजिक, आप कर्नाटका म्यूजिक। कर्नाटका म्यूजिक के अंदर क्या मैथमेटिक्स की क्या गुंजाइश है, उसमें नोट्स होते हैं, सितार के अंदर कितने हमारे तार हैं, कौन से कितने नीचे तार लगे हैं, कितने ऊपर तार लगे हैं, जो शेप्स हैं तबले की, जो शेप है वो राउंड शेप है, राउंड शेप के अंदर हमारा उसका सर्कमफ्रेंस कितना होता है, उसका आइडेंटिकल कितना होता है, दुनिया भर की चीजें हैं। हमने उसमें क्या करा, लैंग्वेज को मैथमेटिक्स, म्यूजिक, उसको हमने हमने केमिस्ट्री से, खासतौर से हमने फिजिक्स के साउंड से हमने उसको जोड़ दिया। तबले पे जब हम लोग आवाज निकालते हैं, वो जो साउंड है, क्या तरंगे पानी के अंदर भी हो सकती हैं, अगर हम पानी के अंदर बैठ करके तबला बजाएं तो क्या वो, तो हमने फिजिक्स से उसको किसी ना किसी तरीके से जोड़ा। जीव विज्ञान से हर चीजें जुड़ती ही हैं, अंग्रेजी भाषा जुड़ सकती है क्योंकि वो चीजें जो हमारे पास हैं उनका विश्लेषण अंग्रेज लोगों ने किस प्रकार किया, वो किस प्रकार ध्वनि यंत्रों को देखते हैं, वाद्य यंत्रों को देखते हैं। उनके यहाँ हमारे यहाँ छोटा सितार या गिटार होता है, उनके यहाँ बहुत बड़ा होता है, दोनों की ध्वनि में साउंड जब ट्रेवल करती है तो वो कौन सा फॉर्मूला है जिसमें साउंड जो है वो ट्रेवल करती है। तो ये सारी चीजें, यानी एक विषय हमने लिया, अब पतंग है, कनकौवे का वर्णन आया, प्रेमचंद ने किया है। अब कनकौवे अगर हम क्या पतंग को बड़ा बना दे तो क्या वो उड़ सकती है, फर्स्ट उसमें कलर्स का क्या महत्व है, जहां पर कलर आएगा एकदम वहां पर केमिस्ट्री आ जाएगी, याद रखिएगा। उसमें बांस के बीच में खपच्ची लगती है, उसको मोड़ते हैं हम लोग, अब जैसे ही बांस खपच्ची, हमारा पूर्वोत्तर भारत हमें याद आता है, जहां से वो त्रिपुरा से चीजें आती हैं, असम से वो चीजें आती हैं, यानी कि ये सारी चीजें एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। कागज कहाँ, ये पतला कागज कहाँ बनता है, इसका गेज क्या होता है, जब हम ATGCM की बात करते हैं, 60 की बात करते हैं, तो ये पतला जो बिल्कुल कागज है, जो गुड्डी पेपर हम लोग कहते हैं, इस पेपर में और जो रिटन पेपर है जिसके अंदर हम लोग लिखते हैं, इन दोनों पेपर में क्या फर्क है। जैसे ही ये सारा फर्क आएगा, वहां पर साइंस इन्वॉल्व होगी, साइंस इन्वॉल्व, मैथमेटिक्स इन्वॉल्व, केमिस्ट्री इन्वॉल्व, फिजिक्स इन्वॉल्व, हमारी हिस्ट्री, उसकी पतंग की क्या हिस्ट्री है, क्या वर्णन हमें इसका मिलता है, पूरी की पूरी हिस्ट्री। एक मैंने और, अगर आपके आपने ये किताब पढ़ी है, इसके अंदर मैंने एक चित्र पिक्चर का दिया है कि जब हमने बच्चों से हमने कनकौवे बनवाए थे, जब हमने बड़ा भाई साहब हम लोग पढ़ा रहे थे, तो उस समय दिमाग में आया कि क्यों ना बच्चों से हम लोग ये चीजें, ये देखिए इस पेज पेज पर, यहां पर मैंने पूरा एक इंटीग्रेटेड कि किस तरीके से बच्चों से हम लोग ये चीजें बनवा सकते हैं, किस प्रकार बच्चे उसमें इन्वॉल्व हों, और जब वो इन्वॉल्व हों तो केवल वो कागज, केवल कलर या ये सारी चीजें लेकर के ना बैठें, बल्कि वो उसके अंदर उसके माप तोल को समझें, इंटीग्रेशन, कहानी के साथ वो जोड़ पा रहे हैं। अब बच्चों को ये नहीं पता कि पतंग के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं, लेकिन जब मैं उसको प्रेमचंद पढ़ाता हूं तो उसको पता लग जाता है कि उसके पर्यायवाची क्या क्या होते हैं। पशु पर्व का जिक्र है, आजकल हमारे यहाँ खेल तमाशे इस तरीके से शहरों में नहीं होते, उस समय पशु पर्व में क्या क्या खेल, इंडोर गेम्स होते होंगे, कंचा है, लट्टू है, पिट्ठू है, हम लोग पकड़म पकड़ाई खेलते थे, आंखें बंद कर देते थे, आंखें बंद करके हम पकड़ो पकड़ो खेला करते थे, बहुत सारे खेल हैं, गुल्ली डंडा है जो आजकल गांव के अंदर रह गया है। तो पशु पर्व के आधार पर, ग्रामीण परिवेश के आधार पर हम लोग बच्चों को उस तरह की चीजें जो हमारे घर के अंदर, जो गांवों के अंदर, छोटे कस्बों के अंदर, वहीं से लकड़ी लेकर के छील के गुल्ली बना ली जाती थी, पत्थर उठा करके पिट्ठू बना लिया जाता था, ये सारा हमारा आर्ट इंटीग्रेशन है। बच्चे हमारे टेनिस खेल रहे हैं, नई चीजें खेलते हैं, कोई गोल्फ खेल रहा है, कोई घुड़सवारी कर रहा है, अलग चीज है, ये भी ठीक है, लेकिन उनको ये जानना चाहिए कि हमारी परंपरागत खेल, हमारी ट्रेडिशन में कौन कौन सी चीजें थी जो बच्चों को जानना है। अब मैं आ जाता हूं इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट पर, कि ये इंटीग्रेटेशन अभी जो मैंने चीज बताया वो भी उसका हिस्सा रहा है। अगर आपके पास ये किताब है तो इस किताब का पीछे वाला परिशिष्ट, पेज नंबर 177, 177 ये वाला पेज जो आपको नजर आ रहा है, ये सारे रूब्रिक्स हैं, आप इसको एक बार जरूर देख लें, और इसके बाद ये पूरा आर्ट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट कैसे करवाना है, ये डिटेल पूरी पीछे 7-8 पेजेस में दी गई है। ये पूरी डिटेल यहां पर क्लास वाइज है, मैं आपको वर्णन कर देता हूं, समझा देता हूं इन चीजों को, ताकि जब आप ये पढ़ें तो आपको चीज समझ में आ जाए। एक क्लास में 7-7 या 8-8 बच्चों के ग्रुप्स बना लीजिए, नोट करिए, एक क्लास 5-8
10, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है वो ग्रुप आप कैसे बनाएंगे उस पूरे सेक्शन का। मैं सेक्शन कह रहा हूं आठवीं आठवीं ए, एक सेक्शन, एक सेक्शन में मैं मान के चल रहा हूं 50 बच्चे, पांच पांच के 10 ग्रुप बना लिए, या आठ आठ के 6 या 7 ग्रुप आपने, 6 से 48, एक में दो बच्चे ज्यादा कर दिए, वो ग्रुप आपने बना लिए। ग्रुप बनाने के बाद उस पूरी क्लास का, पूरी क्लास का एक विषय निर्धारित करेंगे। जैसे पूरी क्लास का विषय है, एट्थ ए का विषय है संगीत, नोट करिए पूरा एट्थ ए विषय संगीत। अब अलग अलग ग्रुप, ग्रुप है ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये ग्रुप है। ए ग्रुप संगीत में क्या करेगा, ए ग्रुप करेगा हमारा क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक। दूसरा ग्रुप क्या करेगा, क्लासिकल का कर्नाटक म्यूजिक। तीसरा ग्रुप क्या करेगा उसके अंदर, वेस्टर्न म्यूजिक। चौथा ग्रुप उसके अंदर क्या करेगा, डांस फॉर्म्स। अगला उसमें गायन की शैलियां जो अलग अलग, यानी म्यूजिक के भी आपको 8-9 पार्ट देखने हैं। अब पहला जिसने क्लासिकल फॉर्मेट लिया था, क्लासिकल म्यूजिक लिया था, उसके सामने क्लासिकल गायन भी है, वादन भी है और नृत्य भी है, तीनों चीजें हैं। वो उन तीनों चीजों का फॉर्मेट तैयार करेगा। बीच वाला क्या करेगा, कर्नाटक म्यूजिक के फॉर्मेट, उसमें नाद, नादस्वरम, तबला लेगा, ढोलक वहां होती नहीं है उसको हम लोग नाद कह देते हैं, नाच कर्नाटक की एक डांस फॉर्म जो है वो उसकी ताल की जो फॉर्म्स है, मान लीजिए हमारे में धा दिन धिन्ना धा दिन धिन्ना ता दिन धिन्ना धा दिन धिन्ना धा, या धागे नते नक दिन कहरवा, क्या कहरवा, तीन ताल दादरा कर्नाटक में है, कर्नाटक के अंदर धा धा धना धेगे धेगे धा देगे धागे धेगे धाग दे दे देगे, वहां अलग एक फॉर्मेट चलता है कर्नाटक में। यही चीज अगर हमारी आ जाएगी वेस्टर्न के अंदर, वहां ड्रम बीट्स हमारे आ जाते हैं डिग 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 डिग, वहां तो ये फॉर्मेट हमारा, वहां 16 ताल चल रहा है 12 ताल चल रहा है, यहां पर आके कर्नाटक में वो 8 ताल हो जाता है, और बिल्कुल हमारा यहां आके उसके अंदर ताल, वहां पर रिदम इंपॉर्टेंट है, वहां पर नोट्स। वेस्टर्न म्यूजिक भी क्लासिकल है, उसमें एक अलग फॉर्मेट है, लेकिन मोस्टली उसमें बीट इंपॉर्टेंट है, धम 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 धम, ये वेस्टर्न का कल्चर है, हमारा कल्चर नहीं है। दो चीजें मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात बताता हूं, उम्र भर याद रखिएगा। किसी ने मेरे से पूछा कि वेस्टर्न में और हमारे इंडियन म्यूजिक में क्या फर्क है, मैंने थोड़ा सोचा, मैंने कहा जब हमारा इंडियन म्यूजिक, भारतीय संगीत, चाहे वो नृत्य हो, क्लासिकल मेरा गायन हो, वादन हो, नर्तन हो, जब वो बजता है तो मेरा सिर घूमता है, मैं बैठ के उसका आनंद लेता हूँ, मैं मेरे अनुभूति मेरे मस्तिष्क में होती है। लेकिन जब वेस्टर्न म्यूजिक बजता है मेरे पैर चलते हैं, मैंने कहा ये सबसे बड़ा फर्क है, जब वेस्टर्न म्यूजिक है मेरा पैर चलेगा रिदम, लेकिन जब मेरा भारतीय संगीत बजता है तो मेरे मस्तिष्क में वो चढ़ता है, आनंद आता है, मेरी आंखें बंद हो जाती हैं, मैं लय में, एक लय, एक रिदम, एक म्यूजिक में मैं खो जाता हूं। ये सारी स्थितियां हमारे सामने, दोनों के अंदर ये फर्क है, सबसे बड़ा फर्क है। तो बच्चों को हमने ए बी सी डी अलग अलग, एट्थ ए के बच्चे लिए 8 भागों में बांटा, 8 हमने उप विषय लिए, उस उप विषय पर हमने काम करने के लिए उन्हें दिया। जब बच्चे ने म्यूजिक छांटा तो मैंने उसको ये कहा कि अब आपको इसके अंदर फिजिक्स लाना है, मैथमेटिक्स लाना है, और जो हमारी साइंस की फॉर्मेट्स हैं और भी जो उप विषय हैं वो सारे आपको इसमें लाने की कोशिश करनी है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, मैं एक वीडियो आपको भेज रहा हूं, ये जरूर वीडियो देखिएगा। हमने एट्थ बी को टॉपिक दिया कलर या प्रिंटिंग या फेस्टिवल। एट्थ ए को म्यूजिक, बी को सी डी, बी को मैंने दिया फेस्टिवल। अब फेस्टिवल ऑफ इंडिया हमारा तो वास्ट इतना है, स्टेट वाइज हम लोग दे सकते हैं फेस्टिवल्स को, हम लोग निर्धारित कर सकते हैं कि फेस्टिवल्स निर्धारित करें, उस फेस्टिवल के अंदर होली के अंदर क्या केमिस्ट्री कहीं आ रही है, किस प्रकार आ रही है, जब रंगोली बनाते हैं तो क्या मैथमेटिकल फिगर्स उसके अंदर आती हैं, मैथमेटिक्स की ज्योमेट्री उसके अंदर कहां शामिल होती है, क्या मापतोल कहीं पर शामिल हो रहा है, किस प्रकार होता है। तो इस तरह हमको इंटीग्रेटेड, इसके अंदर सभी लोगों को बैठकर, जितने भी विषयी आपके अध्यापक हैं, ऑनलाइन चर्चा करनी पड़ेगी, विषय ऐसे लेने पड़ेंगे जिसका जिक्र मैंने इस किताब में किया है,
मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, जिनके पास भी ये किताब है अगर आप अभी 2 मिनट में इसको ला सकें, सामूहिक समायोजित परियोजना। और यहां पर ये विषय लिखे हुए हैं, विषय को किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है, बच्चा क्या क्या कर सकता है और आपको इवैल्यूएशन कैसे करना है। ये आपके लिए, ये पूरा चार्ट आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा अगले 5 साल के लिए, 2024 तक के लिए, 2025 तक के लिए और आगे भी। और ये बात मैं आपको बता दूं, जो आप मेरी वीडियो देखेंगे वो वीडियो हमारी 2015-16 की बनी हुई है या 2013-14 की है। मैंने कई वीडियोस डाली हैं जिनको मैं आज आपको भेजने वाला हूं, उनको आप जरूर देखें। और इस पुस्तक के अंदर जो लास्ट में हमने रूब्रिक्स आपको दिए हुए हैं उसको आपको जरूर देखना है, पढ़ना है, और क्लास वाइज आपको टॉपिक निर्धारित करने हैं। हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ HODs के ग्रुप्स बने हुए हैं और हर स्टेट का अलग अलग ग्रुप बना हुआ है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अक्सर हम लोग एक ऐसी चर्चा उस पर शुरुआत करें, हम टॉपिक और उसके सब टॉपिक, जैसे हमने संगीत चुना था, हमने संगीत हमने लिया था, तो संगीत के सब टॉपिक क्या क्या हो सकते हैं, कोई आधुनिक विषय भी हो सकता है क्या। अगर मान लीजिए हम कोरोना ही ले लें, हम एक एक स्टडी के रूप में, एक शोध विषय के रूप में हम एक कोरोना लेते हैं। अब कोरोना बच्चा पर उसके उप विषय क्या हो सकते हैं, हम ये एक स्टडी बच्चों और उसके अंदर और सारे विषय किस प्रकार जुड़ रहे हैं, हिंदी की उसमें क्या संभावना है, ऐसे ऐसे स्लोगन बने हैं, ऐसी ऐसी चीजें उसके अंदर बन रही हैं जिनको हम लोग देख रहे हैं, क्या उसमें मैथमेटिक्स की संभावना है, हाँ केमिकल तो उसके अंदर है जिससे हम लोग हाथ धो रहे हैं और पट्टी हम लोग मुंह पे लगा के चल रहे हैं, तो क्या धर्म का भी कोई पहलू इसमें आ रहा है, क्या कोई कल्चर का पहलू आ रहा है, क्या श्वेतांबरी जैन आ रहे हैं जो पट्टी लगा के चला करते थे, जो क्या हमारे यहाँ जब हम लोग कहते हैं गृहस्थ और चार प्रकार के हमारे यहाँ वर्णाश्रम माने गए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो हमारे यहाँ कहा जाता था भाई छूना नहीं है, तो क्या वो शूद्र से ही जुड़ी हुई चीज थी या उसके अंदर और लोग भी शामिल थे। ये हमें कई चीजें देखनी है और कई चीजें हमारे दिमागों में घूम रही हैं। अब हमारा कल्चर रीडिफाइंड हो रहा है कि हम लोग जो भी बाहर से आता था हम उसको छूते नहीं थे। गौर करिए, कोई मृत्यु से आ रहा है, शमशान से आ रहा है, बाल कटवा के आ रहा है, तो घर के अंदर पहले छींटे दिए जाते हैं, फिर आएगा नहाएगा, फिर वो घर में प्रवेश करेगा। आजकल भी स्थिति वही है, आजकल हम बाहर से आते हैं पहले कपड़े उतारते हैं, नहा रहे हैं, धो रहे हैं, फिर जाके हम लोग औरों के साथ बैठते हैं। तो क्या कल्चरली कुछ डिफरेंस आया है हमारी इन चीजों में, कोरोना ने क्या कुछ चीजों को बदल के रख दिया है, वसुधैव कुटुंबकम की कितनी संभावना बनती है इस कोरोना की वजह से, हम ये एक स्टडी का विषय दे सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि पूरा विश्व एक हो गया है कैसे, ये सारी चीजों को हमें समझना होगा। इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट का मतलब है सारे विषयों को, या एका विषय रह भी सकता है, उन विषयों को एक साथ किसी एक विषय से जोड़ करके, या एक विषय से जोड़ देना, या एक विषय को उन विषयों में डाल देना, जोड़ देना, समाहित कर देना, कि एक विषय में क्या क्या संभावनाएं बन रही हैं। दो बैलों की कथा, बैल भाग जाते हैं, खूंटे से टूटकर भाग रहे हैं, सामाजिक समस्याएं तो उसके अंदर निकल करके आ रही हैं। पशुओं के प्रति क्रूरता, अभी हमने देखा हाथी का केरला के अंदर क्या उसके साथ किया गया, पूरा देश हमारा एक संवेदना उसके अंदर कितनी, तो क्या दो बैलों की कथा उस हाथी की कथा से कुछ अलग है, अगर है तो किस मायने में है। बैल हमारे खेतों के लिए कितने जरूरी हैं, जैसे हम खेतों की चर्चा करते हैं नागरिक शास्त्र हमारे सामने आ जाता है, इकोनॉमी हमारे सामने आ जाती है, मजदूर हमारे सामने आ जाता है, किसान हमारे सामने आ जाता है, कितनी सारी आर्थिकता हमारे सामने आ जाती है, बहुत सारी चीजें हमारे सामने उभर कर आ जाती हैं। तो जब हम लोग ये कहते हैं कला समेकित, इसको हम कला से कैसे जोड़ दें इन सारी चीजों को, और कलाओं के कितने पार्ट्स हैं, वो जो मैंने आपको अभी बताया, वो चित्रकला भी है, मूर्तिकला भी है, संगीत भी है, नृत्य भी है, गायन भी है, थिएटर भी है, क्ले मॉडलिंग भी है, दुनिया भर की चीजें इसके अंदर पूरा आपको पूरे फॉर्मेट में जो CBSE का है ये सारी चीजें मिलेंगी। मोटी मोटी सी बात यह है ग्रुप में करवाना है, टाइम पीरियड निश्चित नहीं है, साल में एक बार करवाना है, इसको हम SEA जो एक्टिविटी कराते हैं, ICSE के कुछ टीचर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, मेरे IB के कुछ यहाँ पर मित्र बैठे हुए हैं, IGCSE जो पढ़ाते हैं या स्टेट बोर्ड वाले पढ़ा रहे हैं, आप जो एक्टिविटी करा रहे हैं 10 नंबर की या 20 नंबर की, आप उस एक्टिविटी में कला का समावेश कर दीजिए। कोई बच्चा फ्लूट बजाता है, कोई तबला बजा रहा है, कोई ड्रम बजा रहा है, किस तरीके से, अब जैसे बहुत सुंदर एक वीडियो आया था कबीर के दोह को उन्होंने रैप के रूप में प्रस्तुत किया, मैंने वो वीडियो आपके ग्रुप में भेजा था कि बच्चों ने एक एक रैप के रूप में कबीर के दोहे, मीरा के पदों को, सूरदास के पदों को गाया, बिल्कुल करवाइए, सहज भाव से वो बच्चों को याद हो जा रहे हैं और उनके अर्थ को वो समझ रहे हैं। तब के कवियों में आज के कवियों में क्या अंतर है, हम देख रहे हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे कितनी हमारी बहनें, आप लोग सब अध्यापिकाएं कविताएं लिख लिख के हम लोगों को भेजती हैं। तो क्या उस समय ही कवि हुआ करते थे, आज नहीं है, या आज कवि है उनकी पहचान नहीं है, हम एक तुलनात्मक अध्ययन
हम बच्चों से हम लोग करवा सकते हैं। मोटी मोटी बात केवल इतनी है, कला के विभिन्न आयामों को हम लोग किस प्रकार पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक, पाठ से जोड़ दें। जब हम लोग एक कोई पाठ पढ़ाते हैं तो वो एक परिवेश अपने सामने, जैसे अंडमान निकोबार का एक पूरा पाठ है जो परिवेश, कोई किसी में वाराणसी का वर्णन है, किसी में इलाहाबाद का वर्णन है, तो आपको करना क्या है? ये हमको एक नया, ये डॉक्यूमेंट हमको एक नई चीज और बता रहा है कि जिस जिस एरिया में बच्चा रहता है उस एरिया का ही सब कुछ बच्चे को नहीं देना। ये उन्होंने बहुत सुंदर, जैसे मैं आपके सामने इसी में से पढ़ करके बता रहा हूं कि अगर आप लोग मान लीजिए जम्मू और कश्मीर से हैं तो आप लोगों को बच्चों को देना है तमिलनाडु का प्रोजेक्ट, यानी वो तमिलनाडु के म्यूजिक के बारे में पता करे। वेस्ट बंगाल वाले को लद्दाख का देना है, हिमाचल प्रदेश वाले को केरला का देना है, उत्तराखंड वाले को कर्नाटक का देना है। यानी आपको ऐसे प्रोजेक्ट बनाने हैं जिसके अंदर हम हमारे जो अंतरराज्यीय संबंध हैं वो हमारे ठीक हो सकें और एक दूसरे से वो जुड़ सकें। और मैं दिल्ली में हूं तो दिल्ली वाले सिक्किम का प्रोजेक्ट कराएं, दिल्ली वाले सिक्किम का प्रोजेक्ट करने के लिए दें। यानी जो सिक्किम की आर्ट है, कलाएं हैं, वहां पर हॉर्टिकल्चर जो हो रहा है, वहां पर बिना पेस्टिसाइड की चीजें होती हैं सिक्किम के अंदर, तो मैं यहां बच्चों को वो काम करने के लिए दूं। यानी हम आपस में एक दूसरे के राज्यों को अच्छी तरह कला के माध्यम से जान सकें। सेम स्टेट, इन्होंने पूरा ये परफॉर्मा हमको दिया हुआ है, ये वाला परफॉर्मा पेज नंबर 6 पर है दिया हुआ, इसको परफॉर्मे को देख लें। आप जिस जिस राज्य में हैं अपना राज्य छांट लें, आपको अब कौन से राज्य का काम देना है वो आपको ये परफॉर्मा बताएगा कि हम जरूर, जैसे उत्तराखंड वाला है वो तमिलनाडु का जाने, तमिलनाडु वाला हरियाणा का जाने, हरियाणा की हमारी लोक कलाएं बहुत जबरदस्त विकसित कलाएं वहां की हैं उनको वो क्यों ना जाने, बिहार की कलाओं को, मधुबनी आर्ट को जाने, हम लोग गुजरात वाला बिहार को जाने, बिहार वाला असम को जाने, आपको ये काम करना है। तो मित्रों मुझे लगता है कि मैं अपनी बात को कहने के लिए, बहुत सारी चीजें मेरे पास हैं, बहुत सारे नोट्स मेरे पास हैं, यहाँ पर मेटीरियल वो कौन सा इस्तेमाल करे, तो ये लोग कहते हैं कि इको फ्रेंडली मेटीरियल हम लोगों को लेना है, यानी सस्ता होना चाहिए, टिकाऊ होना चाहिए, झाड़ू की सीख भी वो बच्चा ले सकता है, वो माचिस की तीली से भी चीजों का निर्माण कर सकता है, जो चीजें घर में, इको फ्रेंडली शब्द का इन्होंने इस्तेमाल किया है, याद रखिएगा, जब वो कहते हैं इको फ्रेंडली हो, यूजेबल हो, रेडिली अवेलेबल हो, जो आसपास का हो, मिट्टी ले ले, पत्थर ले, छोटे छोटे कंकड़ ले, पत्तियां ले, टहनियां ले, इन चीजों का इस्तेमाल वो आर्ट एंड कल्चर के अंदर करे। जैसे हम लोग कहते थे, उन्होंने बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दिया कि किसी धागे को कलर में डबोएं, दो कागज के बीच में रखे उसको खींच लें, क्या आकृति बनती है छोटे बच्चों के साथ। हम लोग जो जितने फल हैं, फलों को बीच में काट कर कलर में भिगोकर अलग अलग हम लोग आकृतियां, प्राइमरी टीचर्स यहाँ पर देख रही हैं मुझको, वो आकृतियां बनवाइए, उन आकृतियों के अंदर आर्ट करवाइए और उसका कोई एक ऐसा चैप्टर जो भी आपके पास हो उसके साथ आप उसको जोड़ करके देखिए। प्राइमरी के अंदर कक्षा 2 तक, नर्सरी से लेकर, 90% ओरल वर्क आपको कराना है, बच्चों से एक्टिंग कराइए, कविताएं बच्चा बोल सकता है, राइम्स बच्चा गा सकता है, छोटे छोटे बाल गीत बच्चा गा सकता है, उनको करवाइए, बच्चों से पहचान करवाइए। ये छोटे बच्चों को कोई रॉकेट साइंस नहीं कराना हमको, बहुत रंगों की पहचान, तो रंग मिलकर कौन सा नया रंग बनता है, ये चीज एक बहुत अच्छी चीज है। क्ले से चीजें बनाना सिखाइए बच्चे को, लेकिन वो सिंथेटिक क्ले ना लें, आप जो हमारे कुम्हार के यहाँ जो मिट्टी एक अवेलेबल होती है उस मिट्टी को लेकर के उसमें जो नेचुरल कलर है हम लोग वो डाल करके बच्चों को सिखा सकते हैं। हर चीज कंप्यूटर कंप्यूटर से हट करके बच्चा काम करे। हाँ, जिसका इंटरेस्ट प्रेजेंटेशन बनाने में है, अनाउंसिंग में है, एंकर बनने में है, वो रिकॉर्डिंग करके आपको चीजें भेजे, बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत, लेकिन सभी बच्चे ये ना करें। बच्चे का जो अपना एक नैसर्गिक गुण है वो कला को हम लोग निखारें और पाठ्यक्रम और विषय वस्तु और चैप्टर से जोड़ दें। साल में एक बार करवाना है, आप मेरे से बार बार व्हाट्सएप पे नहीं पूछेंगे ये बात, साल में एक बार। लेकिन फिर भी अगर आपका स्कूल कहता है कि साल में 2 बार करवाएं, एक बार हाफ ईयरली, तो आप स्कूल की बात मानेंगे, लेकिन सीबीएसई ऐसा नहीं कहता। सीबीएसई ने कहा है कि साल में एक बार, और ये डॉक्यूमेंट रिटन मैटर है, आप चाहें तो आप उनको दिखा सकते हैं, जो कि मैंने शुरू में आपको लिखवाया, सीबीएसई की साइट पर आपको ये मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें हमारी कला के साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी चीजें और मेरे पास लिखी हुई हैं, मैं समझ रहा हूँ इन चीजों को कि कितनी चीजें आपको बताई जा सकती हैं। बच्चा एक्सप्लोर करे, एक्सपेरिमेंट करे, खोजे, यानी कि जो वो पढ़ रहा है उसमें आनंद का तत्व, सौंदर्य बोध का तत्व वो ढूंढे, और वो कैसे ढूंढे, जो उसकी अपनी कला हो, हम उसके ऊपर इम्पोज न करें। विद्यालय की बात को माने, जो प्रिंसिपल मैनेजमेंट कह रहा है उसको माने,
लेकिन सीबीएसई एक बार कह रहा है 1 to 10 में कराना बहुत जरूरी है, 11, 12 वाले भी इसको करा सकते हैं, जो प्रोजेक्ट 11, 12 के अंदर दिए गए हैं वो आप शोध पर आप उसको बना दीजिए, बच्चे की फाइल भी तैयार हो जाएगी, एक रिसर्च भी उसकी तैयार हो जाएगी, कोई एक प्रेमचंद वाला विषय दे दीजिए, पंत दे दीजिए, महादेवी दे दीजिए, निराला, जयशंकर प्रसाद, कोई सा भी आप इसमें जो भी उनके बच्चे का प्रिय हो वो दें। इसमें गीत लिखने के लिए बच्चों को दे सकते हैं, गाने जो फिल्मों में इस्तेमाल हुए, गजलें जो फिल्मों में इस्तेमाल हुई, दुष्यंत कुमार का नाम मेरे दिमाग में आता है, अगर वो कोर्स में बच्चा कहीं पढ़ रहा है, पास को कहीं बच्चा पढ़ रहा है, तो उससे रिलेटेड हम लोग कोई नई चीजें, अरुण कमल को बच्चा पढ़ता है वो हम लोग चीजें बच्चों को दे सकते हैं, उनके बारे में सोचे, और उन जैसा अंग्रेजी को अगर कोई कविकार फ्रेंच का स्पेनिश का अगर उसको कोई मिलता है तो वो लेकर के एक कंपैरेटिव स्टडी बच्चा तैयार कर सकता है और वो करे। मुझे लगता है इस कला के बारे में आप बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। आप अपने प्रश्नों को भेजें और व्हाट्सएप ग्रुप पर ये चर्चा चलाएं, इस चर्चा को अगले 2-3 दिन चलाएं, और चीजें ना भेजें, बहुत मटेरियल आ चुका है आपके पास। मेरा निवेदन है उसके अंदर आपने आपके दिमाग में क्या क्या चीजें आई वो आप टाइप करके दूसरों से बांटें, आप दूसरों से शेयर करें वो चीज, ताकि हम एक दूसरे से उन चीजों को सीख सके। चैप्टर ले लीजिए, आप ये मत सोचिए कि कौन क्या पढ़ा रहा होगा, आप जो पढ़ा रहे हैं वो चैप्टर लासा की और चैप्टर ले लीजिए, आप उसके अंदर क्या क्या नई चीजें आ रही हैं वो आप देखिए। सिल्वर वेडिंग चैप्टर ले लीजिए, बात अठन्नी की, अठन्नी वाला जो चैप्टर आईसीसी का वो आप ले लीजिए, उसके अंदर हम सर्कल के बारे में बात कर सकते हैं, इकोनॉमी के बारे में बात कर सकते हैं, घर की स्थितियों के, उसमें हम क्या क्या इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट किन किन विषयों को जोड़ सकते हैं, केवल वो लिख के भेजिए, दूसरों को मदद मिलेगी, एक दृष्टि मिलेगी, मिलकर के हमको ये काम करना है। बाजार में कहीं अवेलेबल नहीं है, बस इस किताब के अंदर आपको पूरी इसकी एक आउटलाइन जरूर मिल जाएगी इसकी, और उससे आउटलाइन से आपका बहुतों का काम चलेगा। साउथ में मैंने उनको बताया है, जिन लोगों के पास ये किताब पहुंची है तो उससे आप मदद ले सकते हैं और इस काम को करें। और अभी छुट्टियों में ऑनलाइन बच्चों को आर्ट इंटीग्रेटेड का एक प्रोजेक्ट दे दीजिए, अच्छा खासा टाइम दीजिए, 15-20 दिनों में करके क्लिक करके वो आपके पास भेजे। जो भी आपके प्रश्न हो व्हाट्सएप पे आप मेरे से पूछिए। मुझे उम्मीद है आज का वेबिनार आपके लिए बहुत सफल रहा होगा, और सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी AIL शब्द आपको याद हो जाना चाहिए, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग जिसको हम लोग कहते हैं, और एक CBE नोट करिए, CBE कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। कॉम्पिटेंसी यानी कि हमें बच्चे को कुछ कौशलों में विकसित करना। जो मेरा पहला वेबिनार हुआ था 23 वाला, उसको जरूर देख लीजिएगा, मैंने नए कौशलों की उसके अंदर कुछ बात की थी, वही बात CBSE भी करता है। CBSE इसके अंदर हमें कहता है क्रिटिकल थिंकिंग के लिए कहता है, CBSE कहता है क्रिएटिव क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग टू प्रमोट रिफ्लेक्शन, सेल्फ डायरेक्शन एंड अदर 21st century स्किल्स। तो जिन स्किल्स का वर्णन मैंने 23 तारीख वाले वेबिनार में किया था उसको आप इससे कोरिलेट कर लीजिएगा कि बच्चा सहज भाव से पठन पाठन करे, और हमें भी वो चीजें आनी चाहिए। इसमें टीचर्स के बारे में बहुत कुछ कहा गया है जो मैंने आपको बताया नहीं है, मैं चाहूंगा वो आप अपने आप पढ़ लें कि वो टीचर्स के बारे में भी क्या कहते हैं, कि टीचर को भी वो चीज आनी चाहिए, अगर आपको नहीं आई तो आप उसका मापन नहीं कर पाएंगे। तो मित्रों आज मैं आपसे विदा लेता हूं, आपने आर्ट के बारे में थोड़ा समझा होगा, आपके मन में प्रश्न बुलबुला रहे होंगे, कृपया आप मुझे लिख करके भेजते रहें, आपके प्रश्न मेरे सामने आ रहे हैं, मैं इनको देख रहा हूं यूट्यूब पर, और फिर अब अगले 10-15 दिनों में एक और वेबिनार एक नए विषय पर लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। आप लोगों ने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।